वेलकम टू सिविल टेक। यार सुमन सिंह, आज देखिए ये टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्यू टेस्ट ऑफ फार्मूला। क्यू टेस्ट का क्या फार्मूला होता है? पहले देखिए, पहले क्यू क्या होता है, ये क्यू क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, क्यू होता है जो हम जब कास्टिंग करते हैं, स्लैब कास्टिंग या कॉलम कास्टिंग करते हैं, तो उस टाइम हम एक क्यू एक मॉडलर होता है। मॉडलर होता है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है। 150 mm मतलब 150 mm होता है लेंथ, ब्रिथ भी 150 mm होता है, हाइट भी 150 mm होता है। क्यूब का मॉडलर होता है, उसमें हम कंक्रीट का सैंपल लेते हैं। कंक्रीट का सैंपल इसलिए लेते हैं हम, जो हम कास्टिंग किए हैं तो कंक्रीट का सैंपल हम इसलिए लेते हैं, टेस्ट करने के लिए लेते हैं। जो हम कंक्रीट किए हैं वो M20, जैसे M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है, M25 ग्रेड का कंक्रीट होता है। जैसे सपोर्ट देते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, M20 ग्रेड का हम कंक्रीट ले रहे हैं, तो उसको है जो हम 7 डेज पे और 28 डेज पे, हम उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। M20 क्या हो गया? M20 का मतलब, M का मतलब हो गया मिक्स डिजाइन है, 20 का मतलब हो गया, देखिए जैसे सपोज दैट M20 हम ले लिए, तो ये M का मतलब हो गया आपको, ये M का मतलब हो गया आपको मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट हो गया, और ये 20 का मतलब हो गया जो 28 डेज बाद है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा 20 न्यूटन mm2, 20 न्यूटन mm2 होना चाहिए वो कंक्रीट का। ये होता है, ये सिंबल में सिर्फ आप लोग को दिया रहता है, समझे कि नहीं? तो इसका पूरा फुल फॉर्म यही होता है, इसका मीनिंग यही होता है, समझे कि नहीं? 28 डेज बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो कंक्रीट का M20 न्यूटन mm2 होना चाहिए, समझे कि नहीं? तब आपका वो कंक्रीट सही है। इसलिए हम क्यू टेस्ट करते हैं कि मतलब कंक्रीट का सैंपल लेके उसमें उसका उसको हम उसमें पानी में क्यूरिंग करने के लिए छोड़ देते हैं 28 डेज। उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं जो हम कंक्रीट किए हैं वो मेरा सही है कि नहीं, समझ के नहीं? देखिए ये क्यों हो गया, देखिए अब इसका फार्मूला देखिए, इसका देखिए, वो 1 kN इक्वल टू क्या होता है? 1000 न्यूटन होता है, 1000 न्यूटन होता है। तो 1 kN इक्वल टू 1000 न्यूटन होता है, क्योंकि जो मशीन जो टेस्ट कीजिएगा उसमें क्या होता है, न्यूटन में रीडिंग रहता है, न्यूटन में, तो इसलिए हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए हैं, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है लोड इन न्यूटन डिवाइड एरिया ऑफ क्यू mm2, मतलब लोड जो है, जो लोड इन न्यूटन जो हम मशीन में लोड देते हैं वो डिवाइड एरिया ऑफ क्यू, ये जो क्यू का एरिया है वो होता है एरिया ऑफ क्यू। आप देखिए यहाँ लोड बाय मशीन, लोड बाय मशीन हम कितना 400 kN दे रहे हैं, मतलब न्यूटन में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 लाख न्यूटन हो जाएगा, 4 लाख न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो एरिया ऑफ क्यू निकालने के लिए एम स्क्वायर में होता है क्या, क्योंकि एरिया हम निकालते हैं तो लेंथ ब्रेथ ओनली लेते हैं, समझे कि नहीं? तो 150 × 150 × 150 × इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये इतना आता है, इतना आएगा आपको mm2 में। ये हो गया कि क्यूब का एरिया निकल गया। अब ये है जो वैल्यू है, जो फार्मूला पे पुट कर दीजिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू, देखिए जो इसको न्यूटन किलो न्यूटन में इसको न्यूटन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख न्यूटन हो गया। डिवाइड इसको कर दीजिए एरिया ऑफ क्यू, एरिया ऑफ क्यू हम ये लिए हैं, ये हो गया मेरा क्या, जो मशीन में लोड दिए हैं लोड हो गया, एरिया आप उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके आपको देखिए यहाँ डिवाइड करके आपको कितना 17.77 आया, मतलब अप्रॉक्स में 18 Nm² आया। ये एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। यही क्यूब टेस्ट आप लैब में कीजिएगा तो यही फार्मूला के हेल्प से हम निकालते हैं, यही फार्मूला के हेल्प से। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो डाले तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाई लोग।